ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾਵਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र, पापा जी का साथ देने। जे तेरी जगह मैं हूं तो मैं भी शायद यही करता। थानू मेरा धन्यवाद करने की कोई लोड़ नहीं, बाजवा साहब मेरे लिए भी उन्ने सत्कार योग है जिन्ने वो तुहाडे लई। मेरे लिए वो पिता समान है। बाकी शुक्र करो मनदीप बग्गा मेरे हथों बच गया, नहीं तो कम तो उन्हें छित्र खाने वाले किया। जे बंदे नूं मार मार छित्र दुंबा बना दे। की होया तुसी मेरे वल ऐं क्यों देख रहे हो? जे अज जशन होंदा ते कोई इहो जी गल हो जाती तो उन्हें भी यही गल्लां कहनी सी जो तू कही। जे मैं तुहानू अपने छोटे वीर वर्गा लगदा तो तुसी मैनू अपना छोटा वीर समझ सकते हो। जशन की जगह तो कोई नहीं ले सकता महेंद्र। पर तेरे लिए भी मेरे दिल च खास जगह है। महिंदर भी ना एक नंबर दा मूरख है, मनदीप नू बार कट के बड़ा सौखा कर दिता मेरा काम। हुण तां बड़ा सही चलदा पिया मेरा सारा कुछ। हुण तां मैं इदां दा बंदा लभना है जिहड़ा मेरी हर गल नू इन बिन मन्ने, जिहड़ा बस जोरू दा गुलाम होवे। पर इदां दा मुंडा कित्थों लभे? जे मनदीप वांग एदा दा मुंडा भी अपना बुला लवा ते उहदे नाल व्याह करा लवा, फिर बाद विच उहनूं तलाक दे देवा। पर बंदा भी तां भरोसे दा ही चाहीदा है ना। एदा मैं किसे ते भरोसा नहीं कर सकदी अजकल दे जमाने विच। इक तां पैसिआं दा मामला है ते उत्तों मेरे वर्गी सोहणी जनानी जिहनूं मिलगी उहदा फिर कित्थों दिल करूगा तलाक देण नूं। पर बंदा भी तो उही चाहिदा है ना जिहड़ा मेरे हाथ दी कठपुतली होवे। बस पत्र जी, तुसी दोवें भी सोचते होंगे कि मैं तुहानू इत्थे क्यों बुलाया। हाँ जी पापा जी, सुविता सी ही रहे। मैं तुहाडे दोवां नाल एक गल करनी सी। सूरे तू तो जानता ही है कि मैं तेरे ते जशन दे विच कदे भी कोई फर्क नहीं किया। मैं तुहानू दोवां नू हमेशा अपनियां सज्जियां खब्बियां बाहां समझिया सी ते तुहाडी दोवां दी मैनू जिंदगी दे हर पैड ते बराबर जरूरत भी पैंदी रही है। तैनू पता सूरे मेरे लिए जिंदगी दा सब तो मुश्किल सवाल की है। जे कोई मैतों ये पुछ लेना कि सूरे या जशन दे विचों तुसी किहनूं चुनना, मैं तो चुन नहीं होना। वो गल अड है कि रब ने मैं तो जशन नु खो लिया, हुण मैं तो दूर करता, मेरी एक बांह तोड़ती। सोरे पुत्र जी, अज उसे टुटी हुई बांह की ताकत हासिल करने के चक्कर दे विच मैं अपनी मजबूत बांह नूं भुल गया।
पापा जी गल की है, इन्हें परेशान क्यों तुसी? सोहरे पुत्र जी, मैं तुहाडी गैर हाजरी दे विच जल्दबाजी दे विच एक अजीब जिहा फैसला लै बैठा। मैं बिना सोचे समझे सवरेन नूं वादा दे चुकिया कि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद जशन दे जवाक दे नाम लवा दूंगा। बस उदों तों ही मैं दुचित्ती विच कि यह फैसला लैण तों पहलां मैनूं एक वारी तुहाडे दोवां नाल गल कर लैणी चाहीदी सी कि तुसीं इस फैसले तों खुश हो, क्योंकि जदों मैं फैसला लिता तां मैं तां सिर्फ अपने होण वाले पोते या पोती दे बारे ही सोच रहा सी। पापा जी, असीं तुहाडे हर फैसले नूं हमेशा खिड़े मत्थे प्रवान कीता, पर इस वार नहीं। भावें साढ़े दोनों भरावां दे विच बहुत प्यार सी, दोवां भरावां चों मैनूं तां कदे कोई भी फर्क नहीं लगा। एक सिक्के दे दो हिस्से आवांग, ते जिहड़े तुसीं जायदाद जशन दे होण वाले जवाक दे आउण वाले टाइम नूं देख के उहदे नाम करवाईए, तुहाडा इह फैसला भी बहुत वधिया, पर सानूं इस तरह बिल्कुल किनारे कर देना ये भी ठीक नहीं। शायद सारी जायदाद जशन के जवाक के नाल लवा के तुहानूं लग रहा कि तुसीं साडे नाल वितकरा कीता, इस करके तुसीं परेशान हो ना। ते हुण तुहानूं भी यही लग रहा कि तुसीं यह फैसला काहली च कीता। तुसीं आप सोचो पापा जी, जे कल नूं वाहिगुरू की मेहर होंदी ते उह साडी झोली जवाक पाउंदा तां की असीं अपने जवाक का हक मंगण लई सवरीन दे अगे हथ अड्डांगे? पापा जी, तुसी ये ना सोचो कि असी पत्थर देला, असी तो बस अपने बच्चे दे चंगे भविख बारे सोच रहे। नाले जी, अज तक जोरावर जी ते जशनबाजी दे विच इन्ना प्यार सी, तब असी तो यही चाहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी दे विच भी इन्ना ही प्यार होवे, किसी तरह की कोई फिक ना पवे। पर जूने पुत्र जी, जशन दे जवाक नूं सांभण लई उदों जशन नहीं होगा, जशन दे जवाक नूं संभालना तुहाडी दोवां दी जिम्मेदारी। ते मैनूं यकीन है तुहाडे दोवां ते कि तुसी बाजवा परिवार दे किसी भी मैंबर दे दिल दे विच कदे भी फिक नहीं आण दोंगे। तुसी दोवें जणे तां इन्ने जोगे हो ना